हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रमनजन। आज हम बात करेंगे पेटीएम आईपीओ के बारे में। और आपने देखा ही होगा कि इस साल काफ़ी ज़्यादा आईपीओ आए हैं और पेटीएम एक बड़ा आईपीओ 2021 का है। लेकिन और इसे अगर आप देखेंगे तो फेल्ड आईपीओ भी बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे छोटी कंपनीज के भी आईपीओ आए जो जिसने बम्पर रिटर्न दिया। और पेटीएम का इतना बड़ा आईपीओ होने के बाद भी ये जो कंपनी का स्टॉक है लगभग 27-28% गिर के पहले दिन शुरुआत की है। तो सबसे बड़ा जो कारण है इसके अंदर कि इसके वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है, प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा था और इसके जो लॉसेस हैं वो कंटिन्यूज है। अभी तक ये कंपनी जो है प्रॉफिट में आई नहीं है, ये एक बड़ा कारण है। और मैकवायर ने, बड़ा रिसर्च फर्म है, उन्होंने इनका जो टारगेट है 1200-1300 के करीब कहा है, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि इस स्टॉक के अंदर पैनिक आया है। और सब्सक्राइब भी अगर आप देखेंगे तो हाई नेटवर्क HNI ने कम इसके अंदर पैसे लगाए हैं, खाली रिटेल और दूसरे जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनके ज़्यादा लगे हैं। तो ये भी एक देख सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा नेगेटिव जा सकता है, हो सकता है यहाँ से और स्टॉक थोड़ा नीचे गिरे, 1300-1400 के करीब भी आए। अगर लॉन्गर टर्म का नज़रिया है तो होल्ड करिएगा, अगर लेने के लिए देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए, एक जगह स्टेबल होना चाहिए स्टॉक को, उसी के बाद जो है आप लेने की सोचिए। और इनके जो कंटिन्यूस फाइनेंशियल रिजल्ट भी देखिए, फाइनेंशियल्स अच्छे होंगे तो स्टॉक भी बढ़ेगा। और इनके जो कंटिन्यूस जो लॉसेज है और प्लस वैल्यूएशन हाई है, उसी के कारण इस स्टॉक के अंदर जो है काफ़ी लॉस पहले दिन ही दिखाना देखना पड़ा है। तो आज इसी इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बोलना था। अगर आपको पेशेंस है तो होल्ड करिएगा, फिर आएगा लेवल, लेकिन थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो ओपन करिए, क्योंकि आने वाले समय में LIC का IPO आ रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप घर बैठे ऑनलाइन एंजल ब्रोकिंग में ओपन कर सकते हैं डीमैट अकाउंट। और जो IPO आएंगे, अच्छे अच्छे IPOs भी आ रहे हैं और डबल हो रहे हैं। आपने देखा होगा सिगाची लिमिटेड, वो तो सीधा 3 गुना ही खुला है। छोटी कंपनी थी लेकिन काफ़ी अच्छा IPO था, आपके पैसे सीधे 3 गुने फर्स्ट डे ही किया। तो ऐसे भी IPOs आ रहे हैं, उसके लिए आप तैयारी करिए और अच्छे IPOs में ही लगें। चलिए, थैंक यू।